पापड़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये है विक्की। रन्नो ने मचा दिया आज तो। डाल के इसको दबा दीजिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नॉट गुड मॉर्निंग। Guys, welcome back to my channel. आज मैं vlog कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैं अभी शूट कर रही थी, वीडियो शूट कर रही थी, ऐसे जो नॉर्मल बैठने वाले वीडियोज होते हैं ना, जिसमें हम कुछ कुछ बातें बताते हैं, ज्ञानवर्धक टाइप की बातें, या कुछ भी मेकअप ट्यूटोरियल या फिर प्रोडक्ट्स और ये सब शो करते हैं, तो वैसा टाइप का वीडियो शो कर रही थी, शूट कर रही थी आई मीन। तो ये यहाँ पर सब फैला रहा, पसरा हुआ है। देन ये वाला जो यहाँ पर प्लांट था वो मैंने इधर पे रख दिया है, क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा लग रहा था ये वाला प्लांट, तो इसलिए मैंने इसको पीछे रख दिया है। एंड दिस इज़ व्हाट माय मेकअप लुक्स लाइक। काफ़ी ब्लू है ये, दिस इज़ नॉट टर्कोइज, टर्कोइज भी है और टर्कोइज के ऊपर मैंने ब्लू का हल्का हल्का सा पिंच दिया हुआ है। सो दिस इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज़ माई मेकअप ऑफ द डे। और अभी मैं सेकेंड वीडियो, एक वीडियो मेरा ऑलरेडी शूट हो चुका है। मैंने जो ये मेकअप किया था, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं मेकअप करती हूँ तो मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप जो मेकअप करते हो उसको शूट कर लिया करो, क्योंकि जनरली मैं जो ये जो सिटिंग वाले वीडियोज़ होते हैं उसमें अच्छे से तैयार होती हूँ। ब्लॉग्स में तो मैं जैसी रहती हूँ वैसे ही आप लोगों के सामने आती हूँ, बट ये जो सिटिंग वाले वीडियोज़ होते हैं उसमें मैं थोड़ा अच्छे से तैयार होती हूँ, तो काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं। तो मैंने सोचा जब मैं तैयार हो ही रही हूँ तो मैं कैमरे के सामने तैयार हो जाती हूँ, बट कैमरे के सामने तैयार होने में लिटरली टाइम लगता है। अगर मैं एक घंटे में तैयार होती हूँ तो कैमरे के, अगर मुझे लाइक 30 to 45 मिनट्स लगते हैं पर्सनल तैयार होने में, तो मुझे कैमरे के सामने 1 to 1.1 to 2 hours लग जाता है आराम से। तो क्योंकि कभी कभी बैटरी बीच में ख़त्म हो जाती है, कभी मेमोरी कार्ड भर जाता है, कभी कुछ भूल जाती हूँ, कभी कुछ भूल जाती हूँ। अकेले तैयार होती हूँ तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खटाखट तैयार हो जाती हूँ मैं, एंड फिर सेटअप करो, फिर देखो बैकग्राउंड, फिर ये देखो, वैसा सब चलता है। एंड अभी मैं दूसरा पार्ट स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ, तो ये वाला जो ट्यूटोरियल है ये इस व्लॉग के पहले आ चुका होगा आई एम श्योर, तो आपने देख लिया होगा। सो यस, अगर नहीं देखा है तो आप मेक श्योर करना कि उस वीडियो को देखें ज़रूर। सो यस, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में वीडियो शूट करने के बाद। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको एक वीडियो में बोला था ना कि मुझसे पूरी नहीं बनती है, मतलब मैंने 2-3 बार ट्राई किया है पूरी बनाने का, बट जितनी भी बार भी मैंने पूरी बनाई है मेरी पूरी पापड़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज विक्की ने ट्राई दिया है पूरी बनाने का, एंड लुक एट दिस, फाइनली हमारी पूरी बन गई है। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। और विक्की मुझे ट्रिक बता रहा है, एक्चुअली जो आटा है ना पूरी का वो डेफिनेटली उसमें तो नहीं गूंदता है, ये हाथ से गूंदा है हम लोगों ने, तो थोड़ा सा टाइट है। मतलब जब आप डो, इसका पूरी का डो बनाते हो प्रोसेसर में, हम बनाते हैं ऐसी पूड़ियां अलग अलग नक्शे वाली बनेंगी, लेकिन बन जाएंगी। अरे आप देखेंगे तो आप इसको देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको करना ये रहता है, एक ऐसा छोटा सा आटे का ले लो, हाँ। और उसको डाल के देखो, ये गर्म हो चुका है तेल, मतलब वाह, ठीक है। अभी वी आर नॉट एक्सपर्ट, वी आर बिगिनर्स। मम्मी लोग तो 6-6 7-7 एक साथ डाल देती है ना, हाँ। तो हम लोग इसको गोल अपने हाथ से खींच के कर सकते हैं, नहीं फटेगी, ठीक है। तो जैसे ये हो जाए तो तेज आंच पे रखिए, ठीक है, और ऐसे डाल के इसको दबा दीजिए बस एक बार। ये देखिए पूरी भूल गई, ये ठीक है। अब ये ऐसे पलट दिया एक बार, थोड़ा धीमा करो, बहुत तेज है। नहीं, वो सही है, ठीक है। और ये देखिए पूरी आपकी फूल चुकी है और पक भी गई है, खत्म हो गया काम। वाह 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 वाह, धन्नो ने मचा दिया आज तो। तो अब मैं फिर से जा रही हूँ बैक टू शूट, क्योंकि मेरा वीडियो शूट कर रही थी और विक्की ने मुझे पूरी दिखाई। हाय गाइस, तो कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया था, मैं आज डायरेक्टली ब्लॉग कर रही हूँ। आज है रामनवमी एंड अभी जस्ट मैं शार लेने के लिए जा रही हूँ, विक्की ने शार ले लिया है एंड थोड़ी सी पूजा हो चुकी है ऑलरेडी। एंड मुझे ये रिसीव हुआ था काफ़ी दिन पहले, पॉन्ड्स का ये क्ले टाइम वाला जो एक्चुअली ये किट है, ये पूरा रिसीव हुआ था, जो मास्क है पॉन्ड्स की तरफ से। बट द थिंग इज कि मैं इसको रख के भूल गई थी कि मुझे इसको यूज़ करना है। ये दिस इज़ जस्ट अ पीआर पैकेज, आपको यूज़ करने के लिए दिया जाता है, और अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हो। तो अभी जस्ट मैंने ये लगाया है, दिस वन अभी भी इसमें है। बेसिकली ये और ये दोनों क्ले मास्क हैं, और ये दोनों फेस वॉश है। दिस इज़ मिनरल क्ले फेशियल फोम इंस्टेंट ब्राइटनेस, और ये
प्योर वाइट मिनरल क्ले फेशियल फोम एंटी पोल्यूशन प्लस प्योरिटी. मैंने हार्ड पॉन्ड्स का ना जब मैं बहुत छोटी थी टीनेज में तभी मैं यूज़ करती थी, उसके बाद मैंने कभी पॉन्ड्स की चीज़ें यूज़ नहीं करी है. सो आई रियली डोंट नो. मैंने ये वाला जो मास्क है ये विक्की को भी लगाया है, मैंने भी लगाया है जस्ट टू चेक द रिजल्ट, क्योंकि उसकी ड्राई स्किन है और मेरी सेंसिटिव स्किन है. तो ये है विक्की. जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसको वॉश करने के बाद में बताऊंगी. मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकती हूँ क्योंकि क्रीजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे. ये तो यहाँ पर आई एम सॉर्टिंग आउट सम वेजिटेबल्स. जो वेजिटेबल्स को हम लॉन्ग लास्टिंग चला सकते हैं जैसे कि ग्रीन चिलीज हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं. और मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आप जब भी कोरिएंडर निकालते हो, मतलब धनिया निकालते हो या आप मिर्ची निकालते हो, आपके वो हमेशा फ्रेश क्यों दिखते हैं. सो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ मैं इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, देन इसको प्रॉपरली ड्राइड अप करती हूँ. ड्राइड अप करने के लिए आपको कोई फैंसी किचन टॉल्स की ज़रूरत नहीं है. जो आपकी पुरानी बेडशीट्स होती हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो, कट कर लो उनको एंड देन जस्ट यूज़ इट. और टिश्यू पेपर में या आपके पास अगर टॉल्स हैं उसमें इनको अच्छे से एक एयरटाइट बॉक्स में आपको रखना होता है. तो जो ऊपर का पार्ट होता है ना, मतलब इसमें जो डंडी होती है ऊपर की, जो ये हल्की सी ऐसी ब्राउनिश एंड ग्रीन कलर की जो छोटी सी स्टेम होती है वो उसको निकालना होता है आपको. एंड जितनी भी अच्छी होती है, मतलब एकदम प्रॉपर जो ग्रीन है, आप सिर्फ उनको इस तरह से बॉक्स में, एयरटाइट बॉक्स में इसको रख लीजिए टिश्यू के साथ में. तो उससे क्या होगा, आपकी जो ग्रीन चिलीज है वो ऑलमोस्ट 1 month तक चलती है. और जो बाकी की बचती हैं उनको आप अभी रिसेंट डेज में यूज़ कर लीजिए. तो वो मैं ऐसे करती हूँ. नाउ कमिंग टू द गार्लिक, तो मैं गार्लिक को क्या करती हूँ, सारे गार्लिक को मैं एकदम से ऐसे छील करके नहीं रखती हूँ क्योंकि वो ख़राब जल्दी हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है. आई डोंट नो, अगर नहीं होते हो तो आप प्लीज़ मुझे बताना. तो मैं क्या करती हूँ, जितने मुझे यूज़ करने होते हैं लाइक 15 डेज तक के, क्योंकि जितना मुझे यूज़ करना होता है उतना सबको मैं छील करके अगेन टिशू में रख करके और उसको एयरटाइट बॉक्स में पैक करके रखती हूँ. तो ये जो एयरटाइट बॉक्स आप देख रहे हैं मेरे पास, ये मोस्टली सब टपरवेयर के हैं. और बहुत सारे तो एयरटाइट बॉक्सेस मैंने डिस्कार्ड मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक कंटेनर्स रखने नहीं थे. बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये कंडीशन हो गई कि मेरे पास लिटरली कंटेनर्स की कमी हो चुकी है. तो यस, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इनके जो क्लोव्स हैं वो निकाल करके प्रॉपरली इसको अच्छे से पील ऑफ करके और इसको स्टोर करके रखूँगी फ्रिज में. तो ये भी अगेन 15-20 डेज आराम से चलते हैं, इनमें कभी भी फंगस नहीं लगती है. जनरली मुंबई में बहुत जल्दी, मुझे नहीं पता बाकी सिटीज़ का, और बट मुंबई में बहुत जल्दी फंगस लग जाती है. ऐसे वाइट वाइट फफूंद एंड ब्लैक फफूंद जम जाता है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी. तो इसलिए मैं इसको अगेन फ्रिज में रख देती हूँ इस तरह से पील ऑफ करके. और मैं सेम करती हूँ जिंजर के साथ भी. जिंजर को मैं पील ऑफ नहीं करती हूँ, उसको मैं नॉर्मली कट करके अच्छे से टिश्यू के अंदर ही एयरटाइट बॉक्स में रखती हूँ. तो यस, मास्क लगाने के बाद मैंने कोई रिव्यू नहीं दिया था. तो बेसिकली मास्क इज रियली गुड. द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट मास्क इज कि उसने मेरी स्किन को ड्राइड अप नहीं किया है. एंड आगे जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तब आप इसको ट्राई कर सकते हो. अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा है एंड इट गिव्स अ नाइस रिजल्ट. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे शाम को कुकिंग नहीं करना है तो मेरा वो जो 1.5 घंटे का काम है वो मेरा कट हो गया है. तो आई एम क्लीनिंग माई फ्रिज, क्योंकि मेरा फ्रिज इतना भरा हुआ है और जबकि इतना सामान है नहीं बट स्टिल वो इतना भरा हुआ है और उसमें कुछ सामान नहीं आ रहा है. तो आई एम क्लीनिंग आउट माई फ्रिज और मैंने काफ़ी टाइम से उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है तो बिल्कुल कचरे की तरह हालत में है. मैं आपको दिखाती हूँ कि लुक एट दिस, हाँ ये एकदम भर गया है. और यहाँ पर अभी मैंने निकाल करके इसको साफ किया है, ये बचा है, थोड़ा थोड़ा क्लीन और करना है मुझे. लुक एट दिस, ये भी अभी मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है. तो मैं वही अभी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ. मैंने सोचा अच्छा टाइम है तो अभी ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाए और चीज़ों को अच्छी तरीके से जमा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी यू नो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ये इस तरह से सैशेज हैं जिसको हमने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है. तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये सब कुछ एक्सपायर हो चुके होंगे. ये सब विक्की लेकर के आता है, कहीं मन चाहू ये और फिर तो ये फलाना ढिमकाना एंड देन फिर वो खाता नहीं है. मैं तो वैसे ही नहीं लेती, मुझे ये सब पसंद नहीं है. चाइनीज़ तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद है, मंचूरियन वगैरह, बट उसको बड़ा ये वाला सूप चाहिए वो वाला सूप चाहिए. तो आई थिंक ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है जिससे एक्सपायर हो चुकी हैं. तो जो जो चीज़ एक्सपायर हो चुकी है वो सब मैं अभी निकाल रही हूँ और क्लीन कर रही हूँ प्रॉपरली. मुंबई में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, मतलब रात में सोते टाइम भी मुझे तो वैसे ही बहुत गर्मी लगती है. और लेकिन अभी हम लोग एसी नहीं चला रहे हैं, ना हम दिन में एसी चला रहे हैं ना हम रात में एसी चला रहे हैं. कोशिश कर रहे हैं हम कि विंडोज़ ओपन करके सोते हैं एंड मॉस्किटो नेट जो होती है, कैनोपी जिसको बोलते हैं, हम लोग उसके अंदर सो रहे हैं ताकि मॉस्किटो से भी बचे रहें. एंड देन विंडोज़ ओपन करके सोते हैं ताकि हवा अच्छी आए
जाए और थोड़ा ठंडा लगे. सुबह सुबह ठीक लगता है बट रात में बहुत गर्मी लगती है. यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है और क्योंकि अभी एसी मना किया गया. आई थिंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही ये चीज़ अनाउंस किया था कि ऑफिसेस भी एसी मतलब ज़रूरत ना हो तो एसी ना चलाओ. तो यस, ये सब मैंने वॉश कर लिया है बहुत अच्छे से और अभी मैं इसको प्रॉपरली ड्राई कर रही हूँ. तो मैं फटाफट से आप लोगों को क्विक टूर देती हूँ अपने रेफ्रिजरेटर का, मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया अपना फ्रिज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आते हैं, ये जो फर्स्ट वाला ड्रॉर है इसके अंदर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स रख के रखे हैं और इसको किसी भी कंटेनर में नहीं रखा है, सारे पॉलिथिन्स में ही है और ये खराब नहीं होते, नहीं तो बाहर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं. तो ये है ड्राई फ्रूट्स. यहाँ पर है छोले का एक पैकेट. छोले यहाँ पर अगेन खराब हो जाते हैं और ये हमारे घर के छोले हैं तो फ्रिज में रखने से ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं. इधर घी है, एक्स्ट्रा घी, और ये घर का घी है और यहाँ पर अगेन ड्राई फ्रूट है. नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, घी है जो कि खत्म होने वाला है. देन ये दोनों जो हैं ये अचार हैं, घर से जो आए थे ये दोनों अचार है. देन ये शेजवान चटनी है, ये चॉकलेट सॉस है. देन यहाँ पर अगेन ये सब चीजें हैं जैसे पम्पकिन सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, देन ग्लूकॉन डी. यहाँ पर कॉफी रखी हुई है, अगेन एक और चॉकलेट सॉस है और यहाँ पर मुलेठी रखी हुई है ये. हाँ, तो यहाँ पर सारी पल्सेस रखी हुई हैं क्योंकि बाहर सब खराब हो जाता है. तो जैसे राजमा, यहाँ पर राजमा, काला चना, ग्रीन चना, देन छोले, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है. देन इसमें अदरक, लहसुन और नीचे वाले कंटेनर में मिर्ची है. अभी आते हैं नीचे. यहाँ पर सारे केक्स रखे हुए हैं, अगेन ये केक है और ये ग्रीन इमली की पिचकू चटनी है. यहाँ पर चॉकलेट्स रखी हुई है और सबसे नीचे वाले सेक्शन में सॉस वगैरह रखा हुआ है. एंड यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लेमन रखे हुए हैं. ये एक्चुअली एग ट्रे है बट सिर्फ एक ही एग रखा हुआ है क्योंकि अभी हम लोग एग नहीं खा रहे हैं. और ये अगेन चॉकलेट का डब्बा है जिसके अंदर चॉकलेट्स हैं. और ये एक और कंटेनर है जिसमें इस तरह से सारा ये बटर रखा हुआ है. देन ये चीज स्प्रेड है, ये कर्ड है और ये मिल्क का पैकेट है. बाद आते हैं यहाँ पर, तो ये मिल्क का कंटेनर है. यहाँ पर ब्रेड रखी हुई है और ये जो कुछ लेफ्ट ओवर्स हैं वो हैं. एंड यहाँ पर सारा वेजिटेबल्स रखा हुआ है, दैट्स इट. और ये लास्ट वाला सेक्शन है जहाँ पर
केचप सॉस है, तो बस इस तरह से ही ऑर्गेनाइज किया है. एंड काफी खाली खाली लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सारी स्पेस दिख रही है मुझे, तो जो भी आपको रखना है लेफ्ट ओवर्स हो गए वो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो. सो यस, ये मैंने ऑर्गेनाइज किया है और इस तरह से क्लीन किया है इसको. हाय गाइस, तो अभी हम लोगों का सब खाना वाना हो चुका है एंड वी आर जस्ट चिलिंग एंड वॉचिंग रामायण. और रामायण जब खत्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं शी. कल से हमने शी देखना स्टार्ट करी है, दो एपिसोड्स उसके देख लिए हैं, आज हम बाकी के एपिसोड देखेंगे. और उसके पहले हमने मेंटल हुड देखी थी, अमेजिंग है, करिश्मा कपूर वाली जो है काफ़ी अच्छी है, फैमिली ड्रामा है, फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हो, कुछ भी अब्यूजिव लैंग्वेजेस वगैरह नहीं है उसमें. बाकी तो जनरली जो वेब सीरीज होती हैं यू नो दैट कि उसमें कैसा लैंग्वेजेस होती है एंड ऑल दैट, बट मेंटल काफ़ी अच्छी, हल्की फुल्की, लाइट एंड पेरेंटिंग के ऊपर थी पूरी मूवी, बट अच्छी थी, नाइस, मज़ा आया उसको देखने में. काफ़ी बाइंड करके रखा उसने हम लोगों को, एंड तक हमने पूरी सीरीज देखी उसकी, एक ही दिन में ख़त्म कर दी थी. और अभी हमारा शी चल रहा है, सो यस, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल. सो टिल देन, गुड नाइट.